सोलन के माल रोड पर स्थित पेट्रोल पंप में डीजल भरवा रही गाड़ी में अचानक आग लग गई। इससे पहले कि आग ज्यादा फैलती, वहां मौजूद पेट्रोल पंप कर्मियों ने अग्निशमक यंत्र से आग पर काबू पा लिया और एक बड़ी घटना होते होते टल गई। अगर समय रहते पंप कर्मी सूझबूझ का उपयोग नहीं करते तो आग पेट्रोल पंप के लिए घातक साबित हो सकती थी। आग लगने की ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, जिसे देखकर ये पता चलता है कि आग गाड़ी के अंदर तारों में हुई शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अधिक जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप के मालिक अरुण शर्मा ने बताया कि जब एक पिकअप गाड़ी डीजल भरवा रही थी तो अचानक उसके डैशबोर्ड से आग की लपटें उठना आरंभ हो गई, जिस पर डीजल भर रहे कर्मी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अग्निशमन यंत्र से आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिसमें वे जल्द कामयाब हो गया। कर्मी की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उन्होंने शंका जताई कि गाड़ी में लगे फोन के चार्जर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से चिंगारी भड़की और जिसकी वजह से आग लग गई। पिकअप जो थी वो तेल डालने आई, जैसे उसने गाड़ी खड़ी थी, हम लोग अपने पेट्रोल पंप के प्राइमसीज में बैठे थे, लड़के तेल डाल रहे थे, उसमें एकदम ही अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, थोड़ा सा धुआं निकला। हमने जब देखा धुआं निकला तो एकदम आग की शक्ल ले चुका था। फिर हम दौड़े, उतने को हम उसको धक्का लगा रहे थे तो उसका ड्राइवर थोड़ा सा शायद डर गया और भाग गया, पर हमारे पंप के जितने भी कर्मचारी थे सबने मिलके फायर एक्सटिंग्विश जो हमारे पंप पे रखे होते हैं, उपलब्ध किए होते हैं, उनको चला के उसका एकदम अपने नियंत्रण में कर लिया, जिससे कि कोई जान ना माल का नुकसान हुआ। हमारे दो फायरिंग स्टेशन जो हैं, जो चलाए गए दोनों तरफ से, वो खाली हुए।